नमस्कार, मैं अमित कसाना, स्वागत है आपका मेरे चैनल एके पर। दिल्ली के 21 इलाके पूरी तरह सील हैं। बिना मास्क लगाए घर से निकले पर 6 माह की सजा है, यानी मामला भी गंभीर है। हमें पीपी किट चाहिए। पीपी किट वह होती है जो डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से खुद को बचाने के लिए पहनते हैं, जो टॉप टू बॉटम पूरे सिर से पैर तक ढकी हुई होती है। हम घर बैठ के पीपी किट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम घर बैठ के पीवीसी शीट का मास्क बना सकते हैं। इसके लिए हमें टेप चाहिए, इलास्टिक चाहिए और शीट चाहिए। ये कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर नीचे से इसमें सांस लेने के लिए जगह होती है। ये प्लास्टिक की पीवीसी शीट है। टेप से हमने इसमें प्लास्टिक रिबन लगा सकते हैं और इसको आराम से ऐसा नॉर्मल बांध सकते हैं। ये हल्का है, आपको ज्यादा देर पहनने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, बहुत हल्का होता है, ज्यादा देर पहनने में दिक्कत नहीं होती। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने हाथों के साथ गर्दन से ऊपर शरीर को ढकने की जरूरत है, क्योंकि ये वायरस जो है वो यहीं से पकड़ता है। ये जो पीवीसी शीट का मास्क है, आईआईटी के पूर्व छात्र सचिन पवार ने बनाया है। देश भर के डॉक्टर्स को खुद बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर विजय कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, उन्होंने माना है कि ये वायरस से बचाव के लिए कारगर है। हम इसे खुद पहन सकते हैं, बनाकर जिला प्रशासन को दे सकते हैं, जिससे ये डॉक्टर तक पहुंच जाए, स्वास्थ्यकर्मियों तक पहुंच जाए। इसके साथ जो मास्क दस्ताने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें नालियों में हमें खुले में नहीं फेंकना। हमें कोरोना से फाइट बैक करना है। ये लास्ट मोमेंट की लड़ाई हमारी कोरोना के खिलाफ रह गई है। जिस तरह वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत करीबी से, जिस तरह हम को जो जो लोग दौड़ लगाते हैं, जो लास्ट लाइन तक पहुंचने वाले होते हैं, नजदीक तक होते हैं, कितने थके हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ जाती है उस समय दौड़ को खत्म करने के लिए। उसी तरह कोरोना से हमें फाइट बैक करना है। लास्ट मोमेंट की लड़ाई हमारी रह गई है। सामान्य मास्क जो रुमाल होता है, वो इस शीट के मुकाबले थोड़ा सा हल्का होता है, यानी ये शीट को हम दोबारा धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पीवीसी शीट बहुत आसानी से मिल जाती है मार्केट में। नहीं, ये तो प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।